तो दोस्तों आईपीएल 2024 की तैयारी में जहां कोलकाता नाइट राइडर्स जोरों तोरों से लगी है, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर गौतम गंभीर ने कंफर्म कर दिया कि आईपीएल 2024 के सीजन में ये प्लेयर रहने वाले जो कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करने वाले। तो आज के इस वीडियो में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तान के बारे में हम आपको बताने वाले। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बन रहे। तो आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स के एक बड़े वाले फैन, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। वही आप कोलकाता नाइट राइडर्स जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। तो फ्रेंड वीडियो बढ़ते आगे, आईपीएल 2022 के सीजन में जहां श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में शामिल किए थे, जहां आईपीएल 2023 के सीजन में श्रेयस अय्यर चोट के चलते आईपीएल 2023 का सीजन पूरा का पूरा सीजन मिस किए थे, जहां उनके जगह पर आईपीएल 2023 के सीजन में नीतीश आना ने कप्तानी की थी। नीतीश आना की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2023 काफी खराब सीजन गया था। इसी को देखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के नए मेंटर गौतम गंभीर ने कंफर्म कर दिया कि श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट हो चुके। तो ऐसे में आईपीएल 2024 के सीजन में श्रेयस अय्यर हमें कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करने वाले। यदि श्रेयस अय्यर कुछ मुकाबले में चोटिल हो जाते तो उनके जगह पर नीतीश आना में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, आईपीएल 2024 के सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स अपने 14 मुकाबले में से कितने मुकाबले जीत सकती है? तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते। आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।